हेलो फ्रेंड्स, आगे एक और नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में ये आप सामने देख रहे हैं, ये है रेड सॉइल, लाल मिट्टी। इसके बारे में आज हम थोड़ी डिटेलिंग में बात करेंगे। जब हम लोग नर्सरी में जाते हैं, इसमें कुछ ही पौधे हमें जो हैं लाल मिट्टी में नज़र आते हैं। बहुत बार वेरीगेटेड गुड़ैल, वेरीगेटेड गुलाब, ऐसी चीज़ें लगी हुई आती हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लाल मिट्टी का लाल रंग क्यों होता है। लाल मिट्टी का लाल रंग आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। इस मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की मात्रा होती है, जिसके कारण ये हमें लाल दिखाई देती है। लेकिन इसमें पीला रंग भी होता है, जो बहुत बारीकी से हमें दिखाई देता है। इसमें झलक आती है पीले रंग की। लाल दूसरा टॉपिक है हमारा, दूसरा पॉइंट है, लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है। ये बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है। लाल मिट्टी झारखंड, बंगाल, छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। थर्ड नंबर पे बात कर लेते हैं, लाल मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक होती है। यह मिट्टी कुछ रेतीली होती है और इसमें अम्ल और पोटाश की मात्रा अधिक होती है। फोर्थ नंबर पे बात कर लेते हैं, इसमें हम कितने कौन कौन से प्लांट हैं जिनको हम इस मिट्टी में लगा सकते हैं। देखिए, ज़्यादातर प्लांट हैं हम इसमें लगा सकते हैं, लेकिन आपने बहुत सी वीडियोस में देखा होगा कि बताते हैं कि लाल मिट्टी हमारे पौधे के लिए अच्छी नहीं होती है। देखिए, मिट्टी सभी अच्छी होती है, लेकिन हमें यूज़ करने का तरीका नहीं आता। चलिए, यूज़ करने का हम आपको तरीका बता देते हैं। कुछ परसेंट हमें रेड सॉइल चाहिए और कुछ परसेंट हम इसमें 20-30% हम इसमें रेत मिला करके इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। इसमें प्लांट लगाने के बाद पानी ना दें तो ये एकदम सूख करके एकदम पथरीली हो जाती है, और पानी दे दें ओवर वाटरिंग तो इसमें कीचड़ बन जाती है। तो इसका बहुत रेशियो का हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है, पानी इसको कैसा देना है। तो उसके पानी के कंट्रोल के लिए आप इसमें रेत मिलाइए कुछ परसेंट, और इसमें प्लांट लगाने के लिए एकदम रेडी होगा। जो हमारी नॉर्मल सॉइल होती है, इसमें तुरंत से जो है ड्रेनेज होल से वाटर ड्रेन आउट हो जाता है। इसमें आप लोग सभी तरीके के प्लांट बड़े आसानी से लगा सकते हैं, बस आपको यूज़ करने का तरीका अच्छे से आना चाहिए। अदरवाइज़ ये आपके लिए बहुत अच्छी बेस्ट सॉइल बन जाएगी जब आप इसको यूज़ करना सीख जाएंगे। और इसको आप एयर लेयरिंग के लिए आसानी से यूज़ में ले सकते हैं। एयर लेयरिंग के लिए बहुत अच्छी यूज़ में आती है सॉइल, इसको आप यूज़ करिए। तो मेरी जो है नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है, उसमें भी हम लोग कुछ रेड सॉइल के बारे में बताएंगे और साथ साथ कुछ दिखाने भी वाले हैं आपको। तो आप मेरे साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको मेरी सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। मेरी वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।